हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो के कलर ओएस 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 अपडेट के बारे में। फरवरी का जो मंथ है ना, वो स्टार्ट हो चुका है और इसी फरवरी मंथ के अंदर आपको कुछ ऐसे ओप्पो के डिवाइस मिलते हैं जिनके लिए यहाँ पर ऑफिशियल और बीटा अपडेट है वो रिलीज किया जाएगा। सो कौन कौन से ऐसे ओप्पो के डिवाइस है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, प्लस बात करेंगे उन डिवाइस के बारे में जिनके अंदर आप लोगों को जो अपडेट है ना वो अभी तक भी देखने को नहीं मिला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है सो आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे ओप्पो के कलर ओएस 13.1 के अपडेट के बारे में, तो वहां तक वीडियो को कंप्लीट देखना। अब भी गाइज हम लोग बात कर लेते हैं फरवरी का जो मंथ है ना उसके अंदर कौन कौन से ऐसे ओप्पो के डिवाइस है जिनके लिए जो अपडेट है वो यहां पर रिलीज किया जाएगा। तो एक जो शेड्यूल है ना वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है ओप्पो का फरवरी मंथ का शेड्यूल। तो इसके अंदर ज्यादा डिवाइस ऐड नहीं है, ओनली इंडिया के 2 डिवाइस है ना वो आपको देखने को मिलते हैं। एक है ओप्पो रेनो 5F और सेकंड है ओप्पो F19 प्रो। सो ये 2 ऐसे डिवाइस हैं जिनके लिए यहाँ पर फरवरी मंथ के अंदर अपडेट है ना वो यहाँ पर आने वाला है। और मार्च मंथ है उसका भी शेड्यूल आप लोग देख सकते हो। ओप्पो रेनो 6 4G वेरियंट की यहाँ पर बात हो रही है। ओप्पो रेनो 5 ये भी 4G डिवाइस है। ओप्पो रेनो 5 मार्वल एडिशन ये भी आपको 4G डिवाइस मिलता है। और ओप्पो A55 ओप्पो A53S 5G और यहाँ पर आज आप लोगों को डेट मिलती है 1 फरवरी, या तो आज के दिन या फिर कल के दिन ओप्पो की तरफ से एक ऑफिशियल जो शेड्यूल है ना वो यहाँ पर रिलीज किया जाएगा जिसके अंदर हम लोगों को पता ये चलेगा कि फरवरी मंथ के अंदर ये 2 डिवाइस है ना वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं। सो इनके अंदर आप लोगों को अपडेट है वो कौन सी डेट को मिलेगा, मतलब कि फरवरी की ऐसी कौन सी डेट है जिसके अंदर अपडेट है वो इन दोनों डिवाइस के लिए यहाँ पर ऐड किया जाएगा। और हो भी सकता है कि इस शेड्यूल के अंदर ओप्पो की तरफ से कुछ और डिवाइस है ना उनको भी यहां पर ऐड कर दिया जाए। सो उसके लिए आप लोग यहां पर वेट कर सकते हो, 1 से 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा अगर वो शेड्यूल ओप्पो की तरफ से रिलीज कर दिया जाता है तो। मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा ओप्पो के कलर ओएस अपडेट के टेलीग्राम चैनल के अंदर। ऑलरेडी 13,000 मेंबर के अप्रोक्स इन्होंने ज्वाइन करके रखा है, सो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज है वो यहां पर मिलती रहती है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में जिनके लिए जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है ऑफिशियल रोड मैप शेड्यूल। तो यहाँ पर कुछ आपको डिवाइस है ना वो देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है oppo.com की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आपको कलर ओएस 13.0 का रोल आउट टाइमलाइन मिलता है। तो आप लोगों को दोनों जो डिवाइस है ना वो यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं फरवरी मंथ के अंदर। अभी ये कुछ ऐसे डिवाइस है जिनके लिए अपडेट तो रिलीज हो चुका है ओप्पो की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स है ना उनके डिवाइस के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इसके अंदर एक डिवाइस है ओप्पो रेनो 6 5G, इसके लिए अपडेट रिलीज हो चुका है लेकिन कुछ यूजर्स को अपडेट है ना वहां पर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक ही सॉल्यूशन है वहां पर बताना चाहूंगा। आप लोगों के घर के आसपास अगर कोई सर्विस सेंटर है ना ओप्पो का, तो वहां पर जाके आपको अपने डिवाइस को अपडेट करा लेना है अगर आपको अपडेट के यहाँ पर ज्यादा अर्जेंट जरूरत है, वरना आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो या तो फरवरी की एंडिंग में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में। और मार्च के मंथ के अंदर आप लोगों को अपडेट है वो ओप्पो की तरफ से मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे डिवाइस है ओप्पो के, सभी के अंदर एक साथ में अपडेट देना इम्पॉसिबल है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कंपनी वालों को। सो एक मंथ का आप लोगों को यहाँ पर वेट कर लेना है। फरवरी मंथ के अंदर जो अपडेट है ना वहाँ पर मोस्ट ऑफ डिवाइस के लिए यहाँ पर अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा, और बाकी अगर कुछ डिवाइस रह जाएंगे ना सो उनके लिए आपको अपडेट है वहाँ पर मार्च का मंथ है उसके अंदर रिलीज किया जाएगा। और जैसे जैसे किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट रिलीज किया जाएगा सो आप लोगों को वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ओप्पो के कलर ओएस 13.1 के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो बात यह आ जाती है कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनके लिए अपडेट है वो आप लोगों को मिलेगा। सो आप लोग हमारी इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे वॉच कर सकते हो, इमेज आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन सभी डिवाइस के अंदर आप लोगों को मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर कौन कौन से डिवाइस के अंदर आप लोगों को अपडेट है ना वहां पर मिलेगा, सभी ओप्पो के डिवाइस है। बाकी एक आप लोगों को मैं हिंट बता देता हूँ, अगर आपकी डिवाइस के लिए कलर ओएस 13 का अपडेट आया है ना तो काफी हाई चांसेस है कि कलर ओएस 13.1 का जो अपडेट है ना वो भी आपके डिवाइस के लिए देखने को मिल जाए। अब बात यह आ जाती है कि कलर ओएस 13.1 का अपडेट है वो आने कब वाला है,
तो उसके लिए गाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। मार्च का मंथ है ना, उसके अंदर अपडेट है, वो ओप्पो की तरफ से आएगा और सभी डिवाइस के अंदर नहीं आएगा, कुछ फ्लेक्सिबल डिवाइस है उन्हीं के अंदर आएगा। और जैसे जैसे आपके डिवाइस के लिए जो यहाँ पर रोल आउट शेड्यूल है वो यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा ओप्पो की तरफ से, तो उस हिसाब से आप लोगों को अपडेट है ना वहाँ पर मिलेगा 13.1 का अपडेट। तो गाइज यही था इस वीडियो के अंदर, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लेना, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। गाइज मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।